हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर आप अपनी एंट्री बनाकर एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो उसके अंदर हमारा पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक, एंड इसका मैंने डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इस स्टॉक के अंदर आप इस निचले वाले जोन को देख सकते हैं। ये जोन यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। जब भी ये स्टॉक इस लेवल के पास आता है तो हमें इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अभी ये स्टॉक अपने उसी लेवल के पास आ चुका है, तो आप इस स्टॉक के अंदर करंट मार्केट प्राइस पर अपनी एंट्री बना सकते हो। एंड इसमें हम स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इस विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इसके अंदर हम टारगेट की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट टारगेट 700 का लेवल हो जाएगा, एंड इसमें आपका सेकंड टारगेट 750 का लेवल हो जाएगा। तो चलते हमारे अगले स्टॉक की ओर। तो इसमें हमारा अगला स्टॉक है शारदा कॉर्प, एंड इसका भी हमने डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम एंट्री की अगर बात करें तो जब ये ऊपर वाला लेवल ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस 650 का लेवल हो जाएगा। एंड इसमें हम टारगेट की बात करें तो इसमें आपका टारगेट 1:2 का हो जाएगा, या फिर आप इसके अंदर 750 का लेवल अपना फर्स्ट टारगेट एंड 800 का लेवल आपका सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलते हमारे अगले स्टॉक की ओर। तो इसमें हमारा अगला स्टॉक है चलैत होटल्स, एंड इसका भी हमने डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एंड इस स्टॉक के अंदर आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं, और ये स्टॉक जब भी इसके पास आता है तो हमें काफ़ी अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेता है, एंड ऊपर की तरफ भी मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो इसमें हम एंट्री की बात करें तो जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिए तो आप इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं, एंड इस प्रीवियस विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसके अंदर हम टारगेट की अगर बात करें तो इसमें आपका टारगेट 350 का लेवल हो जाएगा। तो चलते हमारे आखिरी स्टॉक की ओर। तो हमारा आखिरी स्टॉक है जीई पावर, एंड इसका भी मैंने डेली का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये स्टॉक यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो जब भी प्राइस इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो आप इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसमें आपकी एंट्री का लेवल 191 का यहाँ पर रहने वाला है। जब प्राइस डेली के अंदर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इस लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड इसमें हम टारगेट की बात करें तो इसके अंदर आपका टारगेट 200 का लेवल हो जाएगा, एंड उसके बाद भी स्टॉक के अंदर रैली कंटिन्यू रहती है तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ पर सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।